लेकिन यूपी का फायर सिस्टम अभी भी तैयार नहीं है। कहीं कर्मचारियों की भारी कमी है तो कहीं पानी की कमी, ऐसा हम नहीं आंकड़े कह रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में जहां एक तरफ गर्मी का सितम है तो वही दूसरी तरफ आग लगने की घटनाओं का अंबार भी है। शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसानों की फसल जलने का सिलसिला लगातार जारी है। यूपी में दमकल विभाग में संसाधनों की भारी कमी है, यही वजह है कि आग तो लग रही है लेकिन बुझाने वाले कम है। शहरों से लेकर गाँव क्षेत्रों में सेफ्टी टैंक की कमी है। फायर विभाग में कर्मचारियों की भारी किल्लत है। पूरे यूपी में आग बुझाने वाली सिर्फ 70 बाइक हैं। तत्काल आग बुझाने के लिए पानी की कमी है। उत्तर प्रदेश फायर सर्विस के डायरेक्टर जेके सिंह ने बताया कि पहले के समय में आग लगने की वजह ज्यादातर प्राकृतिक होती थी, लेकिन आधुनिकीकरण के समय में मानवीय तंत्री व्यवस्था से आग लगने के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। आधुनिकीकरण के दौर में अब प्राकृतिक और साधारण आगें जो पहले प्राकृतिक कारणों से लगा करती थी उनकी संख्या कम हुई है, और मानव जनित आगें, मानव कारित अग्निकांड अधिक होते हैं। अगर खेत खलिहान है तो, और हाई टेंशन लाइन के नीचे लगा हुआ है तो जो लगा रहा है उसकी भी थोड़ी भागीदारी है। बीड़ी सिगरेट पीकर को फेंक देना या आग जलाना, खाना बनाना, और उससे जो है अग्निकांड घटित होते हैं, तो उनको भी हम लोग अगर होश पूर्वक उस पर काम करें तो उन्हें हम कम कर सकते हैं। यूपी में आग लगने की घटनाओं को कम करने और आग लगने पर तुरंत रिस्पांस के लिए फायर सर्विस का